मैं आज आपको ह्यूमर और यस नो टाइप का प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ। यस मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब और ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और ये सब हेल्पिंग वर्ब है। ईज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, वुड, शुड, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, मे, माइट, मस्ट, शैल, डिड, ऑफ, डिडन, यूज्ड टू, डर, ये सब मिलकर 24 होते हैं। फिर यस नो टाइप, ये सबसे पहले ये राम सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब, सिंग अ सॉन्ग सब्जेक्ट, और सबसे पहले आंसर में क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है अपना कैन, फिर आएगा इस सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट लिखेंगे हम सेकेंड वर्ड, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, और फिर बाद में आएगा सेंटेंस, सेंटेंस क्या है हमारा सिंग अ सॉन्ग, फिर ये उसका फॉर्मूला, और ये इसके फोर ए होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप, फिर बाद में सेकेंड वाला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर सेकेंड में होता है वर्बल क्वेश्चन, फिर होता है रेट्रोरिकल, और फिर बाद में आएगा ये आई मतलब डू डज़।